यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य की कमान किसी सक्षम नेता को सौंपने की मांग की है। बिलासपुर पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण टिकटों का सही बंटवारा नहीं होना था, इसलिए वे एक सक्षम आदमी को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर एक बार फिर से निशाना साधा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष सुकुक ने निशाना साधा। वीरभद्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार से यह साबित होता है कि सुकु अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभा सके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब अधिक समय नहीं रह गया है, लिहाजा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश से लोकसभा की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालनी होगी। इसके लिए नेतृत्व में बदलाव बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें, बिलासपुर में कल रैली हुई थी जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह, उन्होंने संबोधित किया था जनता को। और इस दौरान कहीं ना कहीं वो सुक्खू जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन पर निशाना साधने से नहीं चुके और उन्होंने कहा कि जो पार्टी की हार की वजह है वो टिकटों का गलत तरीके से बंटवारा है। यही तो व्यक्त करें आदरणीय डॉक्टर बाबू अतिथि हमारे।